सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा इन इस्लाम की से ही हम पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान हमारा हम पाकिस्तानी हैं एक है, है, दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे मर गया नमस्कार मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स आज एक युग का अंत हो गया है आज एक पिता एक शिक्षक एक डेटा साइंटिस्ट एक मजहबी प्रचारक क्रिकेट प्रेमी हूर मामलों के जानकार हथियार विशेषज्ञ पत्थर को दिशा देने वाले और हर घर से अफजल निकलेगा कि तकनीक के पुरोधा का असामयिक निधन हो गया भारत के वामपंथियों के पिता भी वही माने जाते हैं विक्की डोनर से पहले वही तो थे जो भारत के तमाम पाकिस्तान परस्त लोगों की अमियों के बांझपन को अपने सुकराणुओं से ख़त्म किया था आज छाती पीटने वालों में उनके बेटे बेटियां, भले ही घर वाले बापों से अपनी नाक ऊँट आँख या दांत मिला लें लेकिन अमियों को तो पता ही है कि गिलानी साहब का अतुलनीय योगदान क्या रहा है उम्र ही क्या थी बयानवे साल किया ही क्या था बस सैंतालीस लाशें गिरवाई थी पोटेंशियल की कमी नहीं थी अभी सक्रिय रहते तो ताला उनके हाथों में इतनी सलाहियत देते कि रियासत पुदीना पाकिस्तान की सीमाओं को और भी बड़ा कर सकते थे उम्र ही क्या थी महज बयानवे साल या भी कोई जाने की उम्र होती है आप सोचिए कि गिलानी साहब भारत और कश्मीर की सरकारों के पैसों पर पलते हुए भी कभी भी अपने कौम और वतन से गद्दारी नहीं की कहते रहे कि पाकिस्तान उनका देश है और आज़ादी लेकर रहे गिलानी साहब अलहदा शख्सियत थे एकदम माइडियर टाइप उन्होंने ही अपने प्रयोगशाला में तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा कि तकनीक विश्व को दी थी ये बात और है कि भारतीय सेना ने अफजलों की पूरी फौज ही बर्बाद कर दी अब अफजल अम्मी के पल्लू में यूट्यूब देखता है और पूछता है कि अम्मी अब निकलू क्या अम्मी कहती है बेटे अभी मोदी है फिर योगी है तू घर में पेट्रोल बम बनाने की रासायनिक विधि पर ध्यान दे उसे परफेक्ट कर जब ताला चाबी की मर्जी होगी तब निकलना पाकिस्तान के लिए लेटेक्स का गुब्बारा थे गिलानी साहब वो भी फ्लेवर वाला फ्लेवर का आनंद भारत के वामपंथियों और उनकी असामयिक मृत्यु पर रुदन करने वाली बेवाओं ने खूब लिया जो अब उन्हें बे मिस कर रही हैं कुछ लाउंडे भी हैं जो रो रहे हैं इससे पता चलता है कि गिलानी साहब अपना फ्लेवर लाउंडो में भी बांटा करते थे हृदय अगर विशाल हो तो आप किताब के विरुद्ध भी जा सकते हैं मुगलों की बच्चाबाजी कला को गिलानी साहब ने खूब आगे बढ़ाया और सामाजिक बंधनों के बाद भी अंधेरे कमरों और मजहबी जगहों पर कोने में ले जाकर उन्हें भी रसा स्वादन करवाया गिलानी साहब प्राणी मात्र में लिंग के आधार पर भी कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते थे आज मैं इतना दुखी हूँ कि पार्टी करूँगा शोक में। आप अगर चाहते हैं कि एक आत्मा को समुचित विदाई दी जाए जिसमें गीत हो संगीत हो चाय कॉफ़ी हो चखना चखना हो तो आप भी नीचे के नंबर पर पे हमें पेटीएम गूगल पे, पे फ़ोनपे आदि कर सकते हैं इतना शौक मैं अकेले बर्दाश्त कर ही नहीं पाँगा मैं तो यह गाना सुन रहा हूँ कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके फटता नहीं बम कहीं बिना आपके क्या आप एक काफिर को पार्टी करने देंगे चुनाव आपका है मानवाधिकारों के पक्षधर थे गिलानी साहब स्वतंत्रता की राह में क्रांति की राह में दाढ़ी सफेद हो गई थी लेकिन मजाल है कि भारत के खिलाफ जहर की तीव्रता में कोई कमी आई हो टूट गए लेकिन झुके नहीं कोई कह देगा कि प्रात स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो जिस व्यक्ति ने कश्मीर में मैं कहूंगा कि आप अगला शब्द बिल्कुल मत कहना यूट्यूब बैन कर देगा मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं देखिए सारा खेल परस्पेक्टिव अर्थात दृष्टिकोण और संदर्भों का है जिनकी किताब में गैर मजहबी व्यक्ति को मानव माना ही नहीं गया तो फिर उनके अधिकार कैसे होंगे फिर जो बच गए जिसमें पत्थरबाज होंगे आज़ादी की मांग करने वाले युवक होंगे तो मानवाधिकार तो उनके ही बचेंगे ना गिलानी साहब तो उसी के लिए प्रयासरत थे उनकी ही लड़ाई लड़ रहे थे खैर छोड़िए आपको कितना समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी हस्ती थी ओलंपिक खेलों को लेकर काफ़ी उत्सुक रहा करते थे गिलानी साहब सात आठ साल के बच्चों के हाथों में पत्थर देना बड़े लड़कों के हाथ में लाठी देना कुछ युवकों के हाथों में, में बंदूक पकड़ा देना विजनरी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कितने कम संसाधनों में साठ आठ साल की उम्र में कच्ची उम्र से गोला फेंक तस्तरी फेंक भाला फेंक से लेकर टेन मीटर एयर राइफल डबल ट्रैप आदि के लिए तैयार कर रहे थे वस्तुता गिलानी साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे भारत ने कभी समझने की कोशिश की ही नहीं वो तो खेलों के कोच थे कश्मीर कभी जाइए तो आप पाएंगे कि स्टेडियम या कोचिंग सेंटर तो छोड़िए सपाट धरती भी बहुत कम है ऐसे में बच्चे दौड़ते हुए रन अप लेकर डिस्कस थ्रो या शॉर्टपट की ट्रेनिंग कैसे करेंगे सड़कों पर ही तो करेंगे ऐसे में कुछ लोग सामने आ जाते हैं तो उन्हें हट जाना चाहिए या सर झुकाकर बैठ जाना चाहिए क्या हम आने वाले ओलंपिक्स में कुछ पदकों के लिए थोड़ा सा बलिदान नहीं दे सकते सह नहीं सकते थोड़ा सा आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन वामपंथी कहते हैं कि विचार मरते नहीं आप विचारों की हत्या नहीं कर सकते सही बात है इसलिए तो भारतीय सेना ऐसे विचारकों के विचारों को मारने की जगह उन्हें ही हूरो के पास वैचारिक मैथुन हेतु भेज देती मुझे निजी तौर पर एक पत्रकार होने के नाते तो दुख हुआ ही ऐसे लोगों के मरने पर पत्रकारों के बाद कई स्कोप होते हैं उनके पास प्रोफाइल करने के लिए हर पत्रकार गिलानी साहब के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाल सकता है किसी को उनमें अपना बाप नजर आएगा किसी को स्कूल का हेडमास्टर किसी को शतरंज का खिलाड़ी किसी को खेलों का कोच कई लोग तो उनके परपोते के दसवीं की परीक्षा के परिणामों का इंतजार करते हैं ताकि उस समय एक खबर बनाई जाए कि गिलानी का परपोता गालिब बड़ा होकर पत्थरों के घनत्व तो पर शोध करना चाहता है ताकि कम आकार में ज़्यादा भार छुपाए होने वाले पत्थर को जब एक तय वेग से फेंका जाए तो जो तुरंत उत्पन्न होगा उससे कितना प्रभाव पड़ेगा सैनिकों पर गिलानी साहब ने कभी भी अपने बच्चों को कश्मीर की लड़ाई में शामिल नहीं किया कोई दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो कोई विदेश में उनका मानना था कि कोई भी बच्चा अपना या पराया नहीं होता सब बच्चे उन्हीं के सब बच्चे आज़ादी के लिए हैं लेकिन उनमें से कुछ एक बाहर भी पढ़ने जा सकते हैं और पत्थर या हथियारों की जगह आम भारतीय कट्टरपंथियों की तरह पढ़कर भी तो देश से गद्दारी कर सकते हैं उन्होंने अपने और दूसरों के बच्चों में कभी अंतर नहीं किया उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वो जिन बच्चों को अपना कहते हैं वो भी उनके अपने हैं या नहीं इसलिए हम उन पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने बच्चों को कश्मीर से दूर रखा क्या पता हलाला टाइप का कुछ हुआ है कुछ का इन्होंने किया कुछ ने इनके घर में कर दिया हो ये सब तो आम बातें हैं जिन्हें हमें भी कुछ अधिक पढ़ने की उसमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता है नहीं मैं यह देख भी क्षुब्ध हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की तरफ एक जैतून की शाखा नहीं पकड़ाई ऑलिव ब्रांच मोदी जी तो दानिश सिद्दीकी जैसे पत्रकार की बंदूक और गोली द्वारा की गई हत्या पर भी एक ट्वीट तक नहीं कर सकते तो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती क्या कश्मीर के लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर मोदी जी ने एक ट्वीट लिख दिया होता क्या बिगड़ जाता आपका मोदी जी अरे जो मर गया उसके बारे में दो शब्द ही कह देते कश्मीर घाटी के लोगों को कितना अच्छा लगता कि मोदी जी पाँच अगस्त के कार्य के बाद कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए तत्पर हैं और सबसे बात करना चाहते हैं अमन की आशा और सफ़ेद कपूतरों का, का भी तो कुछ होना चाहिए क्या आप धवल कपूत शांति के प्रतीक नहीं रहे एक ट्वीट आपका धवल कपूत भी बन सकता था मोदी जी लेकिन भीतर में जो है आपके वह बताता है कि आपके वश का नहीं है किसी भी किसी भी क्रांतिकारी के लिए ट्वीट करना एक समाज के तौर पर हम हार चुके हैं राम ने भी रावण की मृत्यु के बाद उसे भला बुरा नहीं कहा था निजी जीवन में गिलानी चाहे जितना भी बड़ा हत्यारा नरसंहारक रहा हो लेकिन मृत्यु के बाद हमें उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए हमारे संस्कार इसकी इजाजत देते हैं क्या नहीं देते यूपी पुलिस के उस कर्मचारी का गीत भी चलन में आ रहा है जिसमें उसने गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी ला ला ला, 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 ला। मुझे निजी तौर पर दुख हुआ है आज रात का भोजन नहीं कर पाऊंगा मैं इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं